यूट्यूब चैनल आज हम ये 7 आवर्स आरफी के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक मतलब पता नहीं कैसे टूटी, क्या प्रॉब्लम था। तो इसमें टेक्निकल फॉल्ट कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रही है। बट क्या है, जो अपना जो हेड होता है जो बिल्कुल इस चीज़ से ज्वाइंट होता है, ये बिल्कुल अलग हो गया है। ये चीज़ जो है यहाँ पर लगी होती है, ये छोटी सी बात बताना चाहूँगा, ये चीज़ यहाँ पर लगी होती है, ठीक। और जैसे कि आप देख सकते हो, इसके लिए यहाँ पर ये वायरिंग होती है, यहाँ से ये सब मैंने वायरिंग हटा रखी है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो वेल्डिंग करी होती है वो चीज़ हट गई है, जिसकी सहायता से जो अपना हेड होता है बिल्कुल इस तरीके से हो गया, क्योंकि हेड इसके ऊपर ही बिल्कुल यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कसा जाता है, ठीक। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को हम वेल्डिंग करते हैं और फिर इसको कसेंगे तो आपको दिखाएंगे। और यहाँ से वेल्डिंग करने के लिए मैंने यहाँ से ये 4 बोल्ट लगे होते हैं, इस चीज़ को मैंने खोलना पड़ा, तो इस चीज़ को पूरा यूं तरीके से निकाल दिया है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि हमने जो वायरिंग है वो किस परिपथ से निकाली है, वो बड़ी वायरिंग की हमने यहाँ पर क्वांटिंग जैसे यहाँ पर दे रखा है, आप देख सकते हो 7-8 लिखा हुआ है, तो इस तरीके से इसमें भी लिख रखा है हम लोगों ने। तो ये चीज़ कॉमन सेंस है, ठीक है। यहाँ पर जो बेल्ट है इस चीज़ की, यहाँ पर एक सर्वो मोटर लगी होती है, ठीक, जो कि हेड को ऊपर नीचे अप डाउन करती है। और यहाँ पर एक लगी होती है जो कि यहाँ पर एक लगता है गियर, वहाँ पर ये वाली मतलब ये लगता है, इसको क्या बेल्ट बोलते हैं अपन लोग। तो इससे क्या होता है, राउंड होता है, सॉरी हेड ऊपर अप डाउन होता है, ठीक। ये चीज़ है, छोटी सी वीडियो थी, और इसको अभी मैं वेल्डिंग कराने के बाद आपको दिखाऊंगा। वेल्डिंग कराने के बाद इसको पूरी फिटिंग दिखाएंगे और करते हैं चेक इसको कैसा क्या होता है। तो प्लीज़ यार फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और चैनल को शेयर करें, तो सपोर्ट करें हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं लाता रहूँगा, बेस और ट्रे और एम्पलीफायर रिपेयरिंग सारी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अभी इसको वेल्डिंग करने के बाद। ओके बाय।